हेलो गाइस आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टाइप्स या अप्रोचेज़ ऑफ़ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि एजुकेशनल टेक्नोलॉजी क्या है उसका मीनिंग नेचर स्कोप एंड सिग्निफिकेंस ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी इस ये डिस्कस किया गया था इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि टाइप्स या फिर अप्रोचेज़ ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी क्या है सो देखिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम सबसे पहले देखिए कि जो टाइप्स हैं या फिर कह सकते हैं कि अप्रोचेज़ हैं ये क्या है ये एक तरह से ये है कि एजुकेशनल टेक्नोलॉजी है उसमें कौन कौन से अप्रोचेस हम लोग यूज़ करते हैं या फिर कौन कौन से अप्रोचेज़ हैं जो उसके अंतर्गत आते हैं मेनली ये जो अप्रोचेज़ हैं ये तीन हैं फर्स्ट हार्डवेयर अप्रोच सेकेंड सॉफ्टवेयर अप्रोच एंड थर्ड सिस्टम एनालिसिस ओके सो इसको देखते हैं आगे की वीडियो में देखिए जो टाइप्स जो टाइप्स ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी है इसको किसने कैटेगराइज किया था लुम्स्टेन ये एक तरह से कह सकते हैं ये एक साइकोलॉजिस्ट थे इन्होंने सबसे पहले जो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के अप्रोचेज हैं उसको कैटेगराइज़ किया था इन्होंने तीन पार्ट्स में कैटेगराइज किया था फर्स्ट हार्डवेयर अप्रोच सेकंड सॉफ्टवेयर अप्रोच एंड थर्ड सिस्टम एनालिसिस इसी को क्या कहते हैं एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फर्स्ट देखिए आप ऐसे याद कर सकते हैं कि फर्स्ट सेकंड थर्ड इसी को बोल सकते हैं एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फर्स्ट सेकंड और थर्ड फर्स्ट कौन सा था हार्डवेयर अप्रोच एजुकेशनल टेक्नोलॉजी सेकंड था सॉफ्टवेयर अप्रोच एंड एजुकेशनल टेक्नोलॉजी थर्ड था सिस्टम एनालिसिस अब इसी को और ज़्यादा अच्छे से एक एक करके समझेंगे देखिए फर्स्ट है हार्डवेयर अप्रोच या फिर एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फर्स्ट इसमें क्या था इन हार्डवेयर अप्रोच द एम्फेसिस इज गिवेन टू टीचिंग एक्सेसरीज देखिए अब सबसे पहले इजी वर्ड्स में समझिए कि हार्डवेयर सॉफ़्टवेयर और ये सिस्टम एनालिसिस ये सब है क्या हार्डवेयर जैसे आप कंप्यूटर चलाते होंगे तो उसमें हार्डवेयर वो पार्ट्स होते हैं जिनको आप टच कर सकते हैं सॉफ्टवेयर वो पार्ट्स होते हैं जिनका आप यूज़ करते हैं लेकिन उनको टच नहीं फिज़िकली टच नहीं कर सकते हैं कंप्यूटर अगर सब लोगों ने नहीं भी चलाया तो फ़ोन मोबाइल फ़ोन का एग्जाम्पल ले लीजिए मोबाइल फ़ोन अभी आप अपने हाथ में अगर पकड़े हुए हैं तो जो मोबाइल फ़ोन की बॉडी है जिसको आप अपने हाथ से टच कर सकते हैं उसकी स्क्रीन है उसकी जो भी बॉडी है वो एक तरह से हार्डवेयर और उसके अंदर जो एप्लीकेशंस हैं एप्स हैं वो हुए उसके सॉफ्टवेयर सो इसी तरह से देखिए हार्डवेयर का मतलब एजुकेशनल टेक्नोलॉजी की फील्ड में क्या होगा एजुकेशनल टेक्नोलॉजी मतलब एजुकेशन के फील्ड में जो भी हार्डवेयर चीज़ें हैं जैसे आप जिनको छू सकते हैं टच कर सकते हैं वो सभी होंगे हार्डवेयर अप्रोच उन सभी का यूज़ होगा हार्ड हार्डवेयर अप्रोच ठीक है सॉफ्टवेयर अप्रोच क्या होगा जो टेक्निक्स जो मैथड्स वगैरह आप यूज़ करेंगे टीचिंग के टाइम पर किसी बच्चे को जो एक तरह से कर सकते हैं उसका माइंड डेवलपमेंट के लिए वो सब होंगे सॉफ्टवेयर अप्रोच अब एक एक करके इसको और ईजी ईजली थोड़ा अच्छे से समझते हैं अब हार्डवेयर अप्रोच में क्या गया, दिया गया था एम्फेसिस जो दिया मतलब जोर दिया गया था वो टीचिंग एक्सेसरीज़ जो टीचिंग एक्सेसरीज़ हैं वो आती हैं हार्डवेयर अप्रोच में टीचिंग एक्सेसरीज़ का मतलब क्या है जैसे कि चॉक है बोर्ड है चार्ट है या फिर जो भी uh, कह सकते हैं ऑडियो विजुअल एड्स हैं ये सब चीज़ें जो भी हैं ये टीचिंग एक्सेसरीज हैं इनका आप यूज़ करते हैं टीचिंग के प्रोसेस में सेकेंड पॉइंट है फिजिकल साइंस एंड इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी इज़ द ओरिजिन ऑफ दिस अप्रोच सिंपल सी बात है ये सब जो चीज़ें बनाई गई हैं फिज़िकली जिनको टच कर सकते हैं उनका बेसिस तो फिज़िकल साइंस ही होगा फिज़िकल साइंस के ज़रिए ही उनका निर्माण हुआ होगा उनको बनाया गया होगा और इंजीनियरिंग जैसे मान लीजिए ऑडियो विजुअल एड्स वगैरह हैं या फिर टेप रिकॉर्डर वगैरह है ये सब क्या किस चीज़ से बनाए किस टेक्नोलॉजी से इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी से सो so, सोके okay, इस जो हार्डवेयर अप्रोच है उसकी ओरिजिन क्या है इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी और फिज़िकल साइंस अब देखिए मोस्ट पीपल बिलीव डेट मशीन इज टेक्निकली लिंक टू द एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फॉर एग्जाम्पल टी वी टेप रिकॉर्डर प्रोजेक्टर जो बहुत से लोग का ऐसा मानना है कि जो मशीनस uh, हैं वो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी में टेक्निकली लिंक्ड हैं जैसे कि टी वी हो गया टेप रिकॉर्डर हो गया प्रोजेक्टर हो गया आगे के पॉइंट्स देखते हैं हार्डवेयर अप्रोच वॉज फर्स्टली डिस्क्राइब बाई लुमस्टेन लुमस्टेन ने तो तीनों ही अप्रोच दिए थे तो सिंपल सी बात है उन्होंने डिस्क्राइब किया होगा एंड सेकेंड पॉइंट दिस अप्रोच इज ऑल्सो कॉल्ड एज ऑडियो विजुल ऐड्स ऑडियो विजुल एड्स भी बोलते हैं इस अप्रोच uh, को क्योंकि इसी में वो सारी चीज़ें आएंगी ना जिसके जरिए आप बच्चे को दिखा रहे हैं सुना रहे हैं या जो भी पढ़ा रहे हैं थर्ड पॉइंट है इन दिस एन्सेज इज़ गिवन टू मशीन टेक्नोलॉजी इस अप्रोच में जो जोर है वो मशीन टेक्नोलॉजी पे दिया था क्योंकि मशीन टेक्नोलॉजी का यूज़ करके ही आप सारी एक्सेसरीज को बनाते हैं फोर्थ हार्डवेयर इंक्लूड्स चॉकबोर्ड रेडियो ओवरहेड प्रोजेक्टर स्लाइड प्रोजेक्टर टीवी मॉनिटर, कंप्यूटर कैलकुलेटर प्रिंटिंग मशीन ऑडियो विजुअल रिकॉर्डर एक्सेट्रा ये सब चीज़ें जो है ना जैसे चौक है बोर्ड है स्लाइड प्रोजेक्टर है ये सब चीज़ें हार्डवेयर ही हैं हार्डवेयर का ही पार्ट है ठीक है ये सब हार्डवेयर के अंदर आती हैं तो हार्डवेयर इन सबको इंक्लूड करता है नेक्स्ट पॉइंट है दिस अप्रोच प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द यूज़ ऑफ कंप्यूटर्स एंड मशीन्स फॉर द कंपाइलेशन ऑफ रिसर्च फॉर्म्स एनालिसिस ये जो अप्रोच है ये बहुत ज़्यादा यूज ये यूज़ करता है कंप्यूटर्स का मशीन्स का और सारी रिसर्च फॉर्म का एनालिसिस करने के लिए ठीक है अब नेक्स्ट अप्रोच क्या है सॉफ्टवेयर अप्रोच ठीक है तो सॉफ्टवेयर अप्रोच और एजुकेशनल टेक्नोलॉजी सेकेंड इसमें क्या होता है देखिए इन दिस फील्ड इन दिस फील्ड ऑफ सॉफ्टवेयर अप्रोच ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स आर यूज ठीक है साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स क्या हुए जैसे देखिए आप टीचिंग के टाइम पर टीचिंग टेक्निक्स यूज़ कर रहे हैं टीचिंग मैथड्ड्स यूज़ कर रहे हैं कि, कि किस बच्चे को किस टीचिंग टेक्नोलॉजी से किस टीचिंग टेक्निक से पढ़ाया जाए कि उसको बहुत अच्छे से समझ में आए और जब आप उसे पढ़ाते हैं तो उसका माइंड का डेवलपमेंट हो रहा है और ये एक तरह से कह सकते हैं ये प्रिंसिपल्स हैं आप कौन से प्रिंसिपल्स कौन से सिद्धांतों का यूज़ करते हैं टीचिंग के टाइम पे या फिर बच्चे की लर्निंग के, के टाइम में ठीक है तो इस फील्ड में क्या है सॉफ्टवेयर जो एक तरह से कहते हैं कि सॉफ्टवेयर जैसे साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स हो गए साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स जिनको आप छू नहीं सकते हैं साइकोलॉजिकल किसी का मन में जो उसने अपना नॉलेज एक्वायर किया है उसको कोई तो छू नहीं सकता है समझ सकता है लेकिन छू नहीं सकता है तो इसी तरह से क्या हुआ साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स यूज़ होते हैं इसमें फिर क्या कहते हैं साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स आर यूज इन प्लेस ऑफ मशीन्स विच कैन ब्रिंग द एक्वायर चेंजेस इन स्टूडेंट्स जो साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल हैं वो मशीन की जगह पर यूज़ कर होते हैं हार्डवेयर अप्रोच में मशीन्स यूज़ हो रही थी वहीं पर सॉफ्टवेयर अप्रोच में साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स यूज़ हो रहे हैं जो कि बच्चे में जो भी चेंजेस हमें लाने हैं उसको चेंजेस लाने के लिए यूज़ किए जा रहे हैं सेकेंड पॉइंट टेक्नोलॉजी ऑफ दिस अप्रोच आर आल्सो नेम्ड एज इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी टीचिंग टेक्नोलॉजी एंड बिहेवियरल टेक्नोलॉजी अब इस टेक्नोलॉजी को इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी भी बोलते हैं टीचिंग टेक्नोलॉजी भी बोलते हैं और बिहेवियल टेक्नोलॉजी भी बोलते हैं इंस्ट्रक्शन किसी को आप स्टूडेंट को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं तो वो इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी हो गई टीचिंग टेक्नोलॉजी जो भी टीचिंग मैथड टेक्निक्स आप यूज़ कर रहे हैं तो उन सबको जो टीचिंग प्रोसेस का यूज़ करना है वो भी उस उस वजह से टीचिंग टेक्नोलॉजी हो गई और बिहेवियरल टेक्नोलॉजी मतलब किसी के डिजायर्ड बिहेवियर को चेंज लाने के लिए जो भी आप अपने साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स यूज़ है तो इस वजह से बिहेवियरल टेक्नोलॉजी होगी नेक्स्ट इन दिस अप्रोच मशीन्स आर यूज्ड ली टू मेक प्रेजेंटेशन ऑफ कोर्सेज मोर इफेक्टिव इस टेक्नोलॉजी में क्या होता है मशीन्स जो होती हैं वो सिर्फ इसलिए यूज़ की जाती है कि आपका जो प्रेजेंटेशन है वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव बन सके मशीन को इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे लेकिन मशीन्स के यूज़ जो यूज़ कर रही है मशीन्स वो एक तरह से सिर्फ वो आपके प्रजेंटेशन को इफेक्टिव बनाने के लिए यूज़ की जा रही है दिस इन दिस टेक्नोलॉजी द इन्फेसिस इज गिवेन टू ऑल द थ्री फेजेज इनपुट आउटपुट एंड प्रोसेस ठीक है इनपुट प्रोसेस और आउटपुट जो तीनों फेजेस होते हैं उस पर इस पर इस टेक्नोलॉजी में बल दिया जाता है या कह सकते हैं तो उस पर ज़ोर दिया जाता है क्योंकि सिंपल सी बात आप किसी बच्चे को कुछ इंस्ट्रक्शनल एक तरीके से कह सकते हैं जो अभी आपने टीचिंग की इनपुट दिया ठीक है फिर वो प्रोसेस हुई जिस प्रो टीचिंग की प्रोसेस से आपने पढ़ाया फिर बच्चे में जो आउटपुट आया उसके दिमाग में सेव हो गई जो आपने नॉलेज दिया तो ये तीनों पार्ट्स को तीनों फेजेस को इंक्लूड कर रहा है थर्ड बोथ द एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फर्स्ट एंड सेकेंड आर इंटरलिंक्ड दे कान बी सेपरेटेड फ्रॉम इच अदर जो भी एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फर्स्ट और सेकेंड है ये दोनों आपस में इंटरलिंक्ड है इनको आप अलग नहीं कर सकते क्यों कैसे नहीं कर सकते हैं? कि जैसे देख लीजिए अगर आपके पास आपको किसी बच्चे को पढ़ाना है ठीक है जैसे मान लीजिए बुक्स हैं फॉर एक्जाम्पल बुक्स लेते हैं अब बुक्स में जो कंटेंट है या बुक जो बनाई गई है वो किसी ना किसी मशीन से ही बनाई गई उसको प्रिंट किया गया है तो वो हार्डवेयर हो गया हार्डवेयर एक तरह से आप बुक को टच कर सकते हैं तो वो हार्डवेयर हो गया अब बुक में जो नॉलेज है उसको आप टच नहीं कर सकते तो वो हो गया सॉफ्टवेयर अब आप उस टीचिंग को जो बुक में लिखी हुई नॉलेज को बच्चे को पढ़ा रहे हैं और बच्चा दिमाग में वो सारा नॉलेज एक्वायर कर रहा है तो वो सॉफ्टवेयर अप्रोच हुआ बुक क्या हुई हार्डवेयर अप्रोच तो सिंपल सी बात है ये जो दोनों हैं ये आपस में इंटरलिंक्ड हैं तो और एक दूसरे से अलग नहीं किए जा सकते हैं नेक्स्ट पॉइंट है हार्डवेयर अप्रोच डील्स विद द मशीन्स वाइल सॉफ्टवेयर अप्रोच डील्स विद द प्रिंसिपल्स ऑफ लर्निंग एंड टीचिंग हार्डवेयर अप्रोच जो होता है वो मशीन्स के साथ डील करता है मतलब मशीन्स को इंक्लूड करता है और जो सॉफ्टवेयर अप्रोच है ये क्या करता है प्रिंसिपल्स ऑफ लर्निंग एंड टीचिंग को इंक्लूड करता है मतलब कि आप जो पढ़ा रहे हैं ठीक है शिक्षण या फिर कह सकते हैं अधिकम के जो सिद्धांत है उसको अपने में इंक्लूड करता है ओके okay? ये पार्ट क्या है आ, मैनी एजुकेशनलिस्ट बिलीव दैट दस सॉफ्टवेयर अप्रोच इज़ मोर इम्पॉर्टेंट एज कम्पेयर टू हार्डवेयर अप्रोच बिकॉज हार्डवेयर टेक्नोलॉजी इज नो इज़ ऑफ नो यूज़ अनलिस सॉफ्टवेयर अप्रोच इज़ यूज इन इट मतलब क्या है कि बहुत सारे एजुकेशनलिस्ट ऐसा बिलीव करते हैं कि सॉफ्टवेयर जो अप्रोच है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हार्डवेयर अप्रोच की तुलना में क्यों क्योंकि उनका मानना है कि जो सॉफ्टवेयर अप्रोच जब तक हार्डवेयर अप्रोच में आप यूज़ नहीं करेंगे तब तक हार्डवेयर अप हार्डवेयर टेक्नोलॉजी की कोई यूज़ ही नहीं है ओके okay? यहाँ पे देखिए अब और ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा कि हार्डवेयर अप्रोच क्या है और सॉफ्टवेयर अप्रोच क्या है देखिए चौक या बोर्ड जो है वो क्या हो गया आपका हार्डवेयर अप्रोच में आ गया लेकिन जो सॉफ्ट सॉफ्टवेयर अप्रोच में क्या आएगा यूज़ ऑफ चौक मतलब आप चौक का जो यूज़ कर रहे हैं पढ़ाने के टाइम पे चौक से जो लिखना है जो लिखा जा रहा है जो नॉलेज देना है वो क्या हो गया सॉफ्टवेयर अप्रोच में आ गया ओवरहेड प्रोजेक्टर ट्रांसपेरेंसीज ओवर हेड प्रोजेक्टर जैसे कि एक तरह से एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको आप प्रोजेक्टर एज ए प्रोजेक्टर यूज़ करते हैं लेकिन उसमें जो ट्रांसपेरेंसीज होती हैं ट्रांसपेरेंसीज होती हैं वो एक तरह से क्या होती हैं उसमें जो जैसे आपने ओवर हेड प्रोजेक्टर को यूज़ किया तो उसमें एक तरह से वीडियोज़ टाइप की दिखाई पड़ती हैं कि उसके अंदर क्या चल रहा है तो उनको ट्रांसपेरेंसीज बोलते हैं तो उसके अंदर का जो कंटेंट है वो हो गया सॉफ्टवेयर अप्रोच और जो ओवरहेड प्रोजेक्टर इंस्ट्रूमेंट है वो हो गया हार्डवेयर अप्रोच स्लाइड प्रोजेक्टर जिसमें स्लाइड्स अब स्लाइड प्रोजेक्टर जो है वो प्रोजेक्टर इंस्ट्रूमेंट है हार्डवेयर अप्रोच उसको आप टच कर सकते हैं स्लाइड्स को टच नहीं कर सकते हैं ओके सो इसी तरीके से ये हार्डवेयर अप्रोचेज़ और उनके जो उनके अंदर का कंटेंट है वो सॉफ्टवेयर अप्रोचेस नेक्स्ट देखते हैं सिस्टम एनालिसिस और एजुकेशनल टेक्नोलॉजी थर्ड ओके सो इसमें क्या होता है सिस्टम एनालिसिस या फिर एजुकेशनल टेक्नोलॉजी थर्ड भी इसको बोलते हैं तो सिस्टम एनालिसिस क्या होता है देखिए आप इसको बहुत अच्छे से समझिए फर्स्ट आपने जाना सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर अप्रोच जो था उसका कैसे यूज़ करना है सिस्टम एनालिसिस क्या है सिस्टम एनालिसिस एक तरह से ये है कि पूरा जो टीचिंग सिस्टम है आपका वो आप कैसे उसको मैनेज करते हैं ठीक है सो so इसमें देखिए सिस्टम एनालिसिस इज़ टर्म्ड एज़ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी वो तो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का पार्ट है ही ओके okay, सो so क्या अब देखिए उसको एजुकेशनल टेक्नोलॉजी भी कहते हैं कि पूरा जो है एजुकेशनल आपको मैनेजमेंट करना है वो कैसे करना है इट वॉज़ डेवलप्ड आफ्टर आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर विच हैज़ साइंटिफिक बेसिस फॉर डिसीज़न मेकिंग दैट कंसल्ड अबाउट द एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट एंड मिलिट्री प्रॉब्लम अब देखिए जो सिस्टम एनालिसिस थर्ड थर्ड है ये सॉरी सिस्टम एनालिसिस या एजुकेशनल टेक्नोलॉजी थर्ड है ये कब डेवलप हुई ये हुई है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में ये डेवलप हुई इसमें क्या होता है कि इसमें आप पूरा डिसीजन मेकिंग या फिर जो भी एडमिनिस्ट्रेशन होता है मैनेजमेंट होता है समझ रहे होंगे उस मैनेजमेंट जैसे मान लीजिए स्कूल है अब स्कूल में आप पूरा जो मैनेजमेंट उसका जो संचालन है एक तरह से कर सकते हैं उसका प्रबंध है ठीक है उस पर जो जो भी प्रोसेस आप टीचिंग की प्रोसेस हैं उसको कैसे लीड करते हैं क्या करते हैं सबको जो मैनेजमेंट है ये आएगा सिस्टम एनालिसिस में थर्ड नेक्स्ट पॉइंट है दिस अप्रोच इज़ आल्सो टर्म्ड एज मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी देखिए अब इस अप्रोच में आपको क्या आपको पूरा जो टीचिंग सिस्टम है जो स्कूल सिस्टम है कॉलेज सिस्टम है जो भी है तो उसको आपको क्या करना है उसको मैनेज करना है ना कि या फिर टीचिंग प्रोसेस आपकी है उसको भी मैनेज करेंगे आप टीचर पहले से प्लान करेगा मुझे क्या पढ़ाना है कैसे पढ़ाना है एक एक चीज़ को मैनेज करके टीचर स्टार्टिंग से लेकर एंड प्रोसेस तक मैनेज करता है ठीक है और क्लास में जब जाएगा तो वो देखेगा एडमिनिस्ट्रेशन मतलब कि बच्चों को थोड़ा सा देखेगा डिसिप्लिन में रहें और जो बात बोलना चाह रहा है टीचर उसको ध्यान से सुने तो ये सब चीज़ें किस में आएंगी सिस्टम एनालिसिस में सो इस अप्रोच को क्या कहते हैं मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी भी कहते हैं इट इज़ यूज फॉर साइंटिफिक स्टडी ऑफ एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट प्रॉब्लम ये जो टेक्नोलॉजी है ये यूज़ की जाती है कि जो एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन है और मैनेजमेंट प्रॉब्लम्स हैं उनकी स्टडी करने के लिए ओके okay? देखिए एजुकेशनल टेक्नोलॉजी थर्ड आल्सो इंक्लूड्स ट्रेनिंग साइकोलॉजिकल डिज़ाइन साइबरनेटिक डिज़ाइन एंड थ्योरी री इन्फोर्समेंट एजुकेशनल टेक्नोलॉजी थर्ड जो है ये सब कुछ इंक्लूड करती है ट्रेनिंग कैसे ट्रेनिंग प्रोसेस कैसे है ये भी इंक्लूड करेगी साइकोलॉजिकल डिज़ाइन अब देखिए आपने इसको एकदम ईजी टर्म में समझिए आपको किसी बच्चे को पढ़ाना है तो आप पहले से लेसन प्लान बनाएंगे या फिर जो भी आपका प्लानिंग करेंगे कौन कौन सा टॉपिक पढ़ाना है क्लास में जाएंगे ओके okay? क्लास में जाके यूज़ करेंगे ब्लैक बोर्ड डस्टर हर चीज़ का तो या फिर चार्ट वगैरह जो भी है ऑडियो विजुअल एड्स हैं उन सब का यूज़ करेंगे तो ये सब हार्डवेयर हो गया हार्डवेयर अप्रोच अब क्या करेंगे उस बच्चे को पढ़ाने के साथ साथ आप ये भी करेंगे ना कौन सी टीचिंग टेक्निक लगा रहे कितना ईजिली उसको समझा पा रहे हैं बातों का तो ये क्या हो गया सॉफ्टवेयर अप्रोच भी इंक्लूड हो गया सो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी है ये हर चीज़ की एक डिज़ाइन अपने आप में मैनेजमेंट रख दिए और फिर ये तो क्लास की बात रही अब आपको ऑनलाइन पढ़ाना है या कुछ भी तो साइबरनेटिक डिज़ाइन मतलब जो भी कुछ आपकी प्रोसेस है कि अब आपको कब स्लाइड्स बनानी है कैसे वर्बली जैसे मेरा एग्जांपल लीजिए मैंने स्लाइड्स बनाई फ़ोन का यूज़ करके तो हार्डवेयर अप्रोच यूज़ किया अभी मैं स्लाइड्स जो हैं वो सॉफ्टवेयर अप्रोच है सो so, ये सब जो चल रहा है साइबरनेटिक डिज़ाइन ये सब मैनेजमेंट जो हुआ है ये सब किस में सिस्टम अनालिस के अंदर आता है ओके थर्ड नेक्स्ट पॉइंट है दिस टेक्नोलॉजी इज़ बिकमिंग पॉपुलर दिस डेज सिंपल सी बात है आजकल की जो आज कल के दिनों में ये टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रही है नेक्स्ट एजुकेशनल टेक्नोलॉजी थर्ड और सिस्टम एनालिसिस वॉज डेवलप्ड एज कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर अप्रोच एंड सॉफ्टवेयर अप्रोच सिंपल सी बात अभी मैंने बताया कि इस जो मैनेजमेंट पूरा करने के लिए क्या करते हैं कि हम सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों अप्रोचेस का यूज़ करते हैं तो जो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी थर्ड है ये अपने आप में दोनों मतलब दोनों के कॉम्बिनेशन से बनी है ओके नेक्स्ट स्लाइड क्या हाँ देखिए ये जो प्रेजेंटेशन है ना ये एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फर्स्ट और एजुकेशनल टेक्नोलॉजी थर्ड ये दोनों जब कंबाइन हुई तो क्या बनी एजुकेशनल टेक्नोलॉजी थर्ड का डेवलपमेंट हुआ ओके okay. सो so, आज की वीडियो में यही थे हमारे तीनों अप्रोचेस जिसको मैंने बहुत इजीली वर्ड्स में आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें अपने बाकी फ्रेंड्स सर्कल में अगर आपको नोट्स बनाने तो आप मेरी जो स्लाइड्स थी उनका स्क्रीन स्क्रीन शॉट ले सकते हैं और बाद में उसको नोट डाउन कर सकते हैं ओके सो थैंक यू थैंक यू फॉर वॉचिंग आईज